boy, yeah. नेपाल के तराई इलाकों में बारिश रुकने के साथ ही नारायणी नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है और नारायणी नदी का जलस्तर जो बढ़कर 6,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा था उसके जलस्तर में पिछले 24 घंटों में लगातार गिरावट हो रही है और नेपाल का नारायणी नदी का जलस्तर फिलहाल 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के पहाड़ों में पानी थम गया है और नेपाल के पहाड़ों में जैसे जैसे पानी रुक रहा है वैसे वैसे नारायणी नदी का जलस्तर गिर रहा है। तो हम आपको नेपाल के पहाड़ों और नारायणी नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नारायणी नदी जो बिल्कुल कल मंडरा रही तूफान रही थी तमाम इलाकों में, नेपाल के तमाम ऐसे इलाके हैं जो नेपाल के इस नारायणी नदी के कहर से परेशान हो गए थे और जिसका उफान 6.5 लाख क्यूसेक को भी पार कर गया था। तो निश्चित तौर पर लगातार तेजी से गिरावट हुई है और फिलहाल गंडक नदी तक पहुंचने वाली जो नारायणी नदी का जलस्तर है उस 2,70,000 क्यूसेक पहुंच गया है और इसमें अभी भी लगातार गिरावट जारी है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल के पहाड़ों में जैसे जैसे बारिश रुकी है वैसे वैसे तेजी से नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर गिरा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो वक्त है बिहार के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर सामने आने जा रहा है और गंडक नदी का जलस्तर भी निश्चित तौर पर गिरेगा। तो जैसे जैसे नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है वैसे वैसे आने वाले दिनों में बिहार पर जो बाढ़ का एक बड़ा संकट मंडरा रहा था उससे बड़ी निजात मिलता हुआ दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, त्रिवेणी संगम, नेपाल।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।